बीजेपी को लगा एक बार फिर जोर का झटका। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने दिया पार्टी से इस्तीफा, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के बाद से प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टिकट कटने से नाराज नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम भी लगातार जारी है। 3 दिन पहले पार्टी के बड़े दलित चेहरे सुमेर सिंह तंवर के बाद अब गुरुग्राम नगर निगम की 2 बार की पार्षद व जिला उपाध्यक्ष सीमा पाहुजा ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि अब वह अपने पति पवन बंटी पाहुजा के साथ बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल का साथ देंगी। सीमा पाहुजा पंजाबी चेहरा है और 2 बार पार्षद का चुनाव भी जीत चुकी है। एक बार तो उन्होंने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ को भी पार्षद के चुनाव में मात दी थी। विधानसभा चुनाव के लिए वह गुरुग्राम से टिकट मांग रही थी और पंजाबी चेहरे के चलते टिकट की रेस में भी थी। हालांकि बीजेपी ने अपने मूल केंडर वैश्य चेहरे के साथ ही पंजाबी दावेदारों की जगह ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा दिया। इसके बाद से ही बीजेपी छोड़ने का क्रम गुरुग्राम में चल रहा है। सीमा के कारोबारी पति पवन बंटी पाहुजा पहले से ही बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनावी रण में उतरे नवीन गोयल का साथ दे रहे हैं। बीजेपी से पहले सीमा पाहुजा कांग्रेस पार्टी में थी। सीमा पाहुजा बीजेपी के वार्ड 15 से 2 बार पार्षद का चुनाव जीती थी। साथ ही इस समय वह बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अर्जुन मंडल की प्रभारी थी। वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर पंजाबी वोट बैंक के जरिए जीत का सपना देख रहे थे, लेकिन अचानक सीमा ने जोर का झटका धीरे से देकर उनकी परेशानी बढ़ा दी। अब सीमा और बंटी पाहुजा पंजाबी वोट बैंक को नवीन गोयल के पक्ष में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। यह बीजेपी के लिए जहां बड़ा झटका है, तो वहीं यह मोहित ग्रोवर के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। सीमा पाहुजा के माध्यम से नवीन गोयल ने पंजाबी वोट में बड़ी संधमारनी करने की कोशिश की है।